मकसद ये है कि पिछला जिहड़ा इलेक्शन है उनके अंदर असा आवाम तक डायरेक्ट ना से पहुंच सके, वो इतना शॉर्ट टाइम आई भी सारी टिकट की भी कोई जंग जारी है तो कोई निज़ाम ऐसा बना कि सारे को आखिरी ही को महीना बचा है। तो अगर तुसा इंदे तो बाज ना आए असा एक एटमी ताकत है, एक एटमी मुल्क है, पर जेडे असा जंग छेड़ दी तो इंदा एक दे मुल्क को नुकसान न थी सी बात उनकी पूरी पूरी दुनिया को नुकसान चाह बात इमरान खान करारदाद पेश की थी कि उन करारदाद पेश थी मर्द बाद 15 मार्च दा जिभारा जिहाड पूरे साल दे अंदर जेडी 15 मार्च दी जिभारा सी रसूल पाक दी शान इत मनाई गई सी। हमें वो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, 15 मार्च अली जिहार पूरी दुनिया में मुंतखब की दी गई है कि हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान छाया हुआ है। तो आज उए शख्स के खिलाफ तौहीन रिसालत के मुकदमे दिते रहते हैं जेड़ा शख्स अपने प्यारे नबी की सरजमीन से जुत्ती पावना गवारा नहीं समझेगा कि कितने ही मेरे प्यारे नबी दे कदम मुबारक ही जात ना में तो मेरी जुत्ती दा फेर आवे उ तो जुत्ती पावना गवारा नहीं समझे दा त्याग उनके खिलाफ तो ही मेरे सारा दिन बदल चुके जाए। कयामत दे रोज सारे को जरूर ही गाल दा सवाल क्यों है, अल्लाह फरमेंदा है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं तो ना बढ़ावना होता अगर मैं तो ना बढ़ावना होता तो मैं कायनात भी तकलीक ना देवा उनकी शान वास्ते उनकी हुरमत वास्ते जेड़े शख्स को ताकत आई पावर आई पूरी दुनिया के पीछे मुकदमा लड़ा अगर आज असा उनके वास्ते खड़े ना थे तो क्यामत दे रोज अल्लाह दे वो क्या जवाब दे सू। वक्त इमरान खान एक कौम को खुददार ते आजाद बनाना चाहता कि साड़ी कौम साडे पाकिस्तान दे लोग अपने फैसले आप करें, कुछ साडे उत्ते डंडा चाह के ना बैठा होवे कि भाई इवें करो साडी कौम आजाद होवे साडे लोग आजाद होवे ए फैसला करन कौन साडा वजीर आजम होवे ते कौन ना होवे। जेड़े आज दे साडे हुक्मरान या सरबराह बने बैठे उनके अल्फाज क्या हैं, बैगर्स कांट बी चूजर्स, भाई फकीर दी कोई मर्जी को नहीं, फकीर दा कोई चुनाव को नहीं, साकू फकीर बना लेते अपनी तकरीर दे विच। इमरान खान को सवाल किया गया कि अगर अमरीका तेरे को अड्डे मंगे अफगानिस्तान दी जंग वास्ते क्या तू दे से, उनका क्या जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट, ये सारी साकू सजा सजा वो एब्सोल्युटली नॉट। ते जेड़ी इमरान खान रसूल पाक दी शान वास्ते पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं उनकी सजा सब दी गई सबको ये वजह तो ये सारे कसूर है कि सबको घर भेजा गया, सारे वास्ते रात 12 बजे अदालत खोली गई हैं, सारे वास्ते बारू पुलिस वाली गलियां मंगाई गई हैं, सारे उत्ते हेलीकॉप्टर लगाए गए, क्या थी दबिया मुल्क के मजाक है।
कि मुल्क तो सारे कलमे ते ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाते बनाया मुल्क है, आज इंदे उत्ते डाकू मुसल्ले थे बैठे। कोई शख्स मजमे दे विच एक खड़ के नाक सी भाई ये जेड़े आज हुक्मरान बैठे ने कोई डाकू डकैत को नहीं। इमरान खान दे आखिर इल्जाम क्या लगता है कि तोशे खाने जो घड़ी गिनती है जेड़ा अगर अपने एक बल्ले ते अपना साइन करके दे बेचा उंदी कीमत 5 करोड़ है। आज उंदे ते तोशे खाने दी घड़ी दा इंतजाम लाया वेंदा है। जेड़े पिछलियां हुकूमतां हन उन्हां दा एक कानून आई कि 15% जमा करा के खरीद सकदे हो। इमरान खान नूं कानून को 50% ते घेरवान के तू वध खरीद सकदे। बात सेहत कार्ड ते आना साडे इलाके दे लोग सारा तकरीबन किसान हैं सारे था सारे फसल काश करने वाले लोग हैं। भी इतना कोई इतना को नहीं कि इतना फैक्ट्रिया वैक्ट्रिया या कहीं भी भला हो इो सुचेंदे हासे कणक चैसू मूंगी चैसू गन्ना चैसू अल्लाह ना करे कोई घर बीमार है तो उनका इलाज करे सू या ऑपरेशन करे सू। इमरान खान हर पाकिस्तान की जेब 10 लाख रुपया पाया गया तो बात उस इस्लामाबाद लाहौर या कैमरे शहर बनी हुआ तो लोग फुटपारियां सुते पे होने अंडरपासा के थले फ्लाईओवर के थले सुते पे होने। इमरान खान उन्होंने वास्ते पना गावों के लंगर खाने बनाए कि कोई शख्स छत तो बगैर न सुने रोटी खाधे बगैर न सुने इन्हें वह भी बंद कर छोड़े। बात मैं इलाके की गल 41 साल के अंदर नूह खानदान इतना हुक्मरानी की नूह खानदान इतना मैंने रह गए 41 साल की तरक्की को देख गिनो तो सारे इन 28 साल की तरक्की को देख तो एक कच्चे बेल्ट के खाली कच्चे बेल्ट दसें पाया मैं ऑन द रिकॉर्ड दसें पाया ई टाइम भी पंजाब की जो डिवेलपमेंट वाली वैबसाइट है उन्होंने बाकी देख सकते हो तो कच्चे के 23 रोड असं बनाए तकरीबन तो तकरीबन 70 to 75 करोड़ रुपए का खाली सिविल वर्क थी है सिविल वर्क खाली सोलिंग नालिया के पुलिया ये बना ये रोड तो इलावा मैं दसें हस्पताल के बार्ड इन तो अलग है स्कूलों की अपग्रेडेशन इन तो अलग है नवे स्कूल इन तो अलग है कॉलेज इन तो त्रा कॉलेज असा दिता है मजीद खान अवाम का या हुकूमत का एक रुपया था एक टेढ़ी आना करप्शन की घर को बाहर लाइए अस अपन जाती जमीन वेचिया जाती जमीन बेच बेच के आवाम से लेंदे रहे हैं सबको कै शह की कमी कोई नहीं अल्लाह का सारे लख लख एहसान आई अल्लाह का करम आई सारे जेड़े मुल्क की जेड़ी दुनिया की कै छाते बन गया है याशी की जिंदगी गुजारना चाहो गुजार सकते हैं लेकिन नहीं एक सवाल का जवाब बोलना आई क्यामत दे रोज अल्लाह पाक सवाल करे सी ए मेरा बंदा मैं जो तेको इतनी जायदाद दीती है इतना रिस्क लिता है दस ते मेरी कमजोर ये जरूरतमंद अवाम वास्ते या मखलूक वास्ते क्या किया है असा सवाल का जवाब देना नहीं ऐसा जायदादा बनावनिया नहीं ऐसा को आज ऐसा इस्तीफे दे के आए खड़े इस्तीफे दे के असा मैंने शिव तो इस्तीफा दे छोड़ा लेकिन सबको महसूस ही नहीं थी अभी असा दे छोड़ा सबको परवाह नहीं थी क्योंकि सारी एमएनए शिव जरूरत नहीं असा हो तो वो गल ना हो तो वो गल फर्क उन्हें को पौधा है जिन्ना इलेक्शन से ला के बला डबल कमाने फर्क उन्हें को पौधा है जो गरीब की गर्दन से हाथ रखना होंगे इन्हों 3 साल के अंदर कोई शख्स यह साबित नहीं कर सकता कि मजीद खान कै गरीब से झूठा परचा करवाया हो कोई शख्स यह साबित नहीं कर सकता कि मजीद खान कै की गलत जमीन पर कब्जा किया हो मेरी आजादी जदादा पे सदात नगर से वो सारे उत्तर लोग कब्जा किए पे असा क्यों ना खाली करें क्या को बेघर ना करो सब कुछ रिस्क कौड़ा है सब कुछ अदा कौड़ी है
असा अपनी जाती जमीन ते जिथे लोग बैठन कब्जे थे पे असा ओ खाली नहीं कराया कि कहंद दिल चे नावे बेताकत इस्तेमाल करे बेटा फतेहपुर दे अंदर वणो फतेहपुर दे अंदर वणो ऑन रिकॉर्ड आदा पिया टोटल पंप है साडे उंदे नाल चार कनाल जा पई तकरीबन तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए दी जाए उंदे ते कब्जा करो खाली कराना चाहो ता एक गिवारिश थी असा नहीं कीती इक्तदार तो बगैर जेड़ा करनी कोशिश कर गए लेकिन इक्तदार इस नहीं ताकत इस नहीं ताकत का इस्तेमाल गरीब ते नहीं करना ताकत का इस्तेमाल गरीब की खिदमत इस करना है ताकि अल्लाह पाक दे उस मखलूक नूं या अल्लाह असां तेरी मखलूक दे नाल चंगे आसे असां तेरी मखलूक दे नाल ज्यादती किथे नहीं कीती हमेशा उन्हां दे नाल जुड़ के रहे हैं जेड़े इत्थों दे सियासी हैं जिंदी 10 किले जमीन है 5 इलेक्शन नहीं लड़ गई है इलेक्शन दे खर्चे थी गए पुत्र वकील बन गए हर शय थी गई है आज 8-8-9-900 एकड़ जमींदार है मैं दसो कोई आमदन को नहीं किवें इतना पैसा कितों जमीन बन गई सारी तो अद्धे तो ज्यादा घट गई और तुसा लोग का फैसला करना है कि ढेड पालन वाला दे नाल खड़ना है कि आवाम दे मुस्तकबिल दा जेड़ा सुचे दा जेड़ा आवाम वास्ते सुचे दा उंगे नाल खड़ना असा को तो कोई मसला कोई असा तो घर लगे हुए सुकून दे रहा न खप सुनत ने ना ही मेरी उम्र इथावण दी मेरी उम्र हाले फिरन टुरन दी है मैं ता इको वालिद कला बंदा है मैं उंदी वजह तो इथा अगर उंदा मिशन है कि मैं आवाम दी खिदमत करनी है तो मैं उंदे नाल टुरना चाहिए ता आज मैं इथा आया सारे लोगों को यो दरखास्त करे सा ई दफा चलो साकू छोड़ लो साकू माइनस कर लो बिल्कुल ये दफा इमरान खान को छोड़ा सबसे पहले जिन्ना दे वास्ते दुनिया कैनात बनाई गई जिन्ना वास्ते कैनात बनाई गई उन्हें शान वास्ते लड़ता रही है पहली गाल हो उन्हें तो बाद के कशे हो दूजी गाल सारा मुल्क जेड़ा गाल ही कोई यो करें दे मेरी कौम मेरे पाकिस्तानी मेरी अवाम ये हुर्तवाले हाथ से हार शो एक दफा दे अगर पोलिंग दे बन जाए ये सोच कराए एक दफा लाजमी सोच कराए कि असा गुलाम रावण है सारी जिंदगी के आजाद थी किसी में असा दादा रुपए डीजल पेट्रोल सस्ता करके गए 150 दे छोड़ के गए से त्राए साल असा पिटें दे रहे आलमी महंगाई है पाकिस्तान महंगाई नहीं पाकिस्तान हाले भी सस्ता है पूरी दुनिया महंगाई है लेकिन आवाम को समझ नहीं आती कहीं ਅੱਜ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਲਾ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਆ ਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਆ ਦੇ ਹਨ ਅੱਜ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਥਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੋਈ 21 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਵੇ ਕਸਾ ਠੀਕ ਅਸੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੇ दुनिया च महंगाई है बजट तो नहीं रोल दी शेन इन्ना गुडे करो भार लग गई असा ये नया दे कि इन्ना कर छोड़िए ये आलमी महंगाई है लेकिन इको असा कंट्रोल तक ही तो आया ना कहीं तरीके आवाम को सहूलत तरे दे पया से तेरे उन हर शत वाले हाथ वासे चे ऐसी सोच पैदा करो अपने इलाके वास्ते सोचो अपने नौजवानों के मुस्तकबिल वास्ते सोचो कैसा अपना मुस्तकबिल आजाद बनाना है कि यू गुलामी वाला बनाना है कि गुलामी करनी है सारी जिंदगी तो इंशाल्लाह मेरे को पूरी उम्मीद है मुड़ सारी अवाम बाशऊर है सारी अवाम दे सोच आ गई है इमरान खान आज पूरे मुल्क को जगा छोड़ा है पूरे मुल्क च इमरान खान थे नहीं गई टीवी ते रे दियो सो जित्था वेंदा समझ नहीं आंदी अवाम कि थोने के लाई है अल्लाह पाक सारी मदद करे सी अल्लाह पाक तुहानू सारा को खुशहाल ते आबाद रखे हमेशा अपने घरों के हंसते बसते रहो अल्लाह पाक दुखां तो गुमान लेवे बहुत बहुत शुक्रिया फी अमान।